अनुपमा ने फिर से अपने सपने को दी बैक सीट। अब छोटी को ठीक करना है अनुपमा की प्रायोरिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रोमो जो नया आया है वो काफी कुछ कहता है आगे के बारे में। प्रेजेंट जो चल रहा है वो बहुत ही दुखदायी है। तोशु का ट्रैक, तोशु का जो भी कुछ हमने देखा बहुत ही भयंकर वाला था। एक बड़ी सेटबैक है अनुपमा के लिए, तो इसको तो हम चर्चा में रखेंगे क्योंकि आज की एपिसोड है, मगर नए प्रोमो के बारे में बात भी करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे व्यूअर्स ने बहुत दिनों से ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अनुपमा डांस परफॉर्मेंस कर रही है, एक इवेंट पे है, लुका छिपी बहुत हुई ये वाला गाना चल रहा है। अल्टीमेटली प्रोमो आया और अब मेरा बात करना आपसे बनता है। तो प्रोमो में जो हम साफ साफ देख रहे हैं कि अनुपमा अपनी छोटी के साथ डांस कर रही है, लुका छुपी बहुत हुई थक गई है तेरी माँ, ये गाने पे डांस कर रही है। नीचे अनुज बा बापूजी तीनों बैठे हैं और ये ड्रीम सीक्वेंस है, डेफिनेटली हमें पता चली गया है, प्रोमो में साफ साफ दिखाया गया है और सोशल मीडिया पे भी चर्चा है। तो इस ड्रीम में जैसा कि अनुज ने अपनी बातचीत में कहा कि बा है, बापूजी है, खुद अनुज है, और इस ड्रीम में बा क्या कह रही है हमने सुना। बा ये कहती है कि अनुपमा का सपना पूरा हो गया, अमेरिका में अनुपमा का डांस जो है देखने को मिल रहा है, गूंज रहा है। ऐसा ही कुछ अनुपमा के जो प्रिय अनुज हैं वो कहते हुए दिखाई दिए कि अनुपमा के इस डांस की या जो भी कुछ उन्होंने कहा कि भारत में भी गूंज सुनाई देगी। यानी कि ये दोनों करेक्टर अनुपमा के सपने की बात कर रहे हैं, मगर अनुपमा छोटी के साथ डांस कर रही है और ये ड्रीम सीक्वेंस भी अनुपमा का है। तो इसका मतलब ये है कि अनुपमा ड्रीम में अपनी छोटी को ही देखती है, अपनी छोटी के साथ ही खुशहाल लाइफ को जीना चाहती है, इसीलिए वो छोटी के साथ डांस कर रही है, गाना गा रही है कि लुका छिपी बहुत हुई थक गई है तेरी माँ। यानी कि माँ होना अनुपमा कभी छोड़ ही नहीं सकती है, यही उसका किरदार है। घूम फिर के बात माँ पे ही आती है, चाहे सख्त माँ हो, चाहे नरम माँ हो, चाहे दुखियारी माँ हो। तो अनुपमा अपनी छोटी के साथ डांस कर रही है और ये ड्रीम तब टूटता है जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है कि छोटी उसके सामने खड़ी है और गुस्से में खड़ी है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये बात हमने देखी है कि अनुपमा अनुज के ऑफिस गई है, जो आज के प्री कैप में दिखाया गया है। ऑफिस में डेफिनेटली तोशु के बारे में बात करने की गई है कि आपने ऐसा क्यों किया, जो अनुज ने फिर से रायता फैलाया है उसी रायते के बारे में बात करने गई है। और वहीं पे हो सकता है अनुज ने अनुपमा को एक जगह पे बिठाया हो बातचीत करने के लिए, खुद बाहर गया हो किसी काम से और फिर श्रुति के साथ वापस आया हो। मीनवाइल अनुपमा ने वहां पे आद्या की फोटो देखी और अनुपमा ड्रीम सीक्वेंस में चली गई, और अनुज और श्रुति के आने से पहले अनुपमा के सामने आद्या आ गई। अब ये सब कुछ हमने देखा प्रोमो में, और जो साफ साफ इंडिकेट करता है अनुपमा के सपने में आद्या का आना, आद्या के साथ डांस करना, गाना गाना अनुपमा का, और अनुपमा की बात क्लियर होना उसके सपने के बाद, जो वो अनुज को कहती है कि अगर दर्द मैंने दिया है तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगी। ये बात तो हमने पहले भी कही थी कि इस आद्या का इलाज सिर्फ अनुपमा ही है, और अब अनुपमा वो करने की बात कर रही है, पहले नहीं की थी उसने। पहले उसने बोल दिया था कि आप अपनी लाइफ जियो, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर मरहम लगाने की बात अनुपमा कर रही है तो डेफिनेटली अनुपमा इनके साथ इनके लाइफ में झांकेगी जरूर, और आद्या को ठीक करेगी और आद्या को समझाएगी कि माँ कैसी होती है। तो ये आज की सीक्वेंस में दिखा है, जिससे मुझे साफ साफ नजर आया है कि अब अनुपमा का जो जो सपना है, जो वो हमेशा कहती है कि अपने लिए जीने वाली बात जो कहती है, फिर से वो बैक सीट हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, अपने लिए जीना भी पैरलर रखेगी अनुपमा तो खुशी होगी, नहीं तो फिर से वही चीजें, वही आध्या को मनाना, वही चीजें करना, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।